हाय गाइस, क्या आप फोन के कैमरा से वीडियो बनाते हो? क्या आपको पता है कि बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा किस कैमरा में वीडियो बनाया जाए कि परफेक्ट हो और कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखे वीडियो पे और सब कोई पसंद करे? तो जी हाँ, मैं आज इसी के बारे में टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ। मैं सनातन, मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद सनातन में आप सभी का वेलकम है। और जो जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए कि ये देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ कि बोल रहे कि यार आपको प्लीज़ बताइए कि आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा फ़ोन का। तो जी हाँ, मैं अभी सब कुछ का डिटेल बताऊंगा, मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, फ्रंट या बैक, या आप लोग कौन सा कैमरा यूज़ करोगे ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी और वीडियो आप लोग को अच्छे से सबको देखना पसंद करेंगे। तो रही बात कैमरा की, आपके पास यदि कैमरा नहीं है तो फ़ोन से शूट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी फ़ोन से शूट करता, अभी तक जितने मेरे सब्सक्राइबर फैमिली बने हैं यूट्यूब फैमिली, सब फ़ोन के कैमरा से। तो वो मायने नहीं करता है कि आप फ़ोन के कैमरा से बना रहे हैं या DSLR कैमरा से। ऐसे में बहुत कोई पर्सन है जो कि फ़ोन के कैमरा से ही कहाँ मिलियन सब्सक्राइबर ले चुके हैं। मेरे जितने लाखों सब्सक्राइबर जो भी हुए हैं सब जो कि मेरे कैमरा के, फ़ोन के कैमरा की वजह से ही है। तो इस तरह से माइंड सेट नहीं करना है कि मुझे DSLR कैमरा हो तभी वीडियो वायरल होगी। तभी बात आती है कि फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा की। तो रही बैक कैमरा की, तो उससे यदि बना रहे वीडियो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की आती है, तो इसीलिए आप परफेक्ट होती है कि बैक कैमरा से वीडियो बनाए तो जिससे चलते आपको वीडियो में क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आप लोग जानते हैं कि फ्रंट कैमरा के वीडियो क्वालिटी बैक कैमरा के वीडियो क्वालिटी के मुकाबले बहुत कम होती है। मेरे भी उसी तरह से है, लेकिन एक क्या होता है जो आपको प्रॉफिट होती है फ्रंट कैमरा से, आप जब वीडियो शूट करते हो तो अपने आप को देख पाते हो कि मैं किस तरह से, मेरा बॉडी लैंग्वेज है, मैं फ़ोटो मतलब वीडियो आपके कितने आ रही, कितने साइज में आप, साइड है क्या या इस साइड है क्या, वो सब कुछ आपको दिखेगी कहाँ पर आप खड़े हैं। लेकिन बैक कैमरा से यदि आप लोग देख रहे हैं तो कैसे कीजिएगा, बैक कैमरा से आप लोग यदि कर रहे हैं तो आपको तो फेस दिखाई नहीं देगी, फ़ोन तो इस तरह से बैक मुड़ा हुआ है, तो जिसके चलते आपका फेस नहीं दिखाई देगी, आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तो वो बहुत ही मायने करता है। तो मेरे सजेशन में यदि आप ले तो फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्रंट कैमरा से बनाने से क्या होती है कि आपका बॉडी लैंग्वेज वही आपको दिखती है कि किस तरह से, किस तरह से नहीं, बैक कैमरा से वो दिखती नहीं है। लेकिन हाँ, क्वालिटी की बात यदि किया जाए, ऐसे नॉर्मली आपका यदि पता है कि किस तरह से कहां पर सेटिंग किया जाता है, या दूसरा कोई पर्सन है वो सेटिंग कर दिए कि हाँ आपको वहां पर खड़ा होना है, इस तरह से यहां से इस साइड जाइएगा तो कट जाएगा, या इस साइड जाइए कट जाएगा, वो बता रहा है आपको, डायरेक्शन दे रहा, तब ठीक है, आप बैक कैमरा से कर सकते हैं। यदि नहीं है, आप खुद से कर रहे हैं, तो फ्रंट कैमरा ही परफेक्ट होगी। और इस तरह से फ्रंट कैमरा के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे अभी एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, तो उससे आप ले लीजिए और उसका परचेस करके आप लोग वीडियो बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो खास करके बना दिया। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी कि हमें किस में परफेक्ट मिलेगी, बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा से। तो चलिए वीडियो ये अंत करता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जो जो ताकि पता नहीं उनको भी पता चल जाए कि कौन सा बेटर होगा। मैंने अपना एक्सपीरियंस से बताया आपको जो कुछ है, और मैं अभी भी जितने भी वीडियो बनती है अधिकतर मेरे सब लगभग फ्रंट कैमरा से ही होती है। तो चलिए, जो जो नया है पे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह से जो जितने भी वीडियो बनेगी आपको सबसे पहले नोटिस मिलेगी। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।